आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और सिलसिला बाजारों का मैं एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं आप सबके लिए कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज सुबह की कार्रवाई सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा कारोबार करता नजर आ रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय है। रूपा जी, देख रहे हैं कैसे सीड का दिसंबर वायदा आज भी 6400 के लेवल्स पर है और जनवरी वायदा भी 6400 पर ही ट्रेड करता नजर आ रहा है। रूपा जी, देख रहे हैं कि कैसे सीड एक फंस के रह गया, लेकिन इसकी वजह समझ नहीं आ रही है कि कैसे सीड रेंज में क्यों है। देखिए, अभी डिमांड जो है वो जो एक एक्सपोर्ट डिमांड निकली थी वो कहीं ना कहीं रुकती नजर आई है, जिसकी वजह से अभी फिलहाल जो है बाइंग जो है वो रुक गई है। इस वजह से लगातार हम देख रहे हैं कि ये एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी भी वही रेंज जो है आने वाले कुछ दिनों तक रह सकती है। जब तक ये टेक्निकली देखा जाए तो 6600 के ऊपर नहीं निकलता तब तक इसमें तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अभी फिलहाल इसके अंदर मुझे लगता है कि ये लेवल 6200-6400 के रेंज में फिलहाल ये घूमता हुआ दिखाई दे सकता है और इसी सीमित दायरे में इसके अंदर आगे कुछ दिनों में ट्रेडिंग संभव है। जी, रूपा जी देख रहे हैं बिनौला कल का दिसंबर वायदा 2800 से लुढ़का है, लेकिन जनवरी वायदा 2800 पर ऑलरेडी ट्रेड करता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या जनवरी वायदा में अब 2800 से ज्यादा के भी लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? देखिए, कौन सी कमोडिटी रूपा जी हम देख रहे हैं कि बिनौला कल का दिसंबर वायदा 2800 से लुढ़का है और 2700 के लेवल्स पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, लेकिन जनवरी वायदा देख रहे हैं कि लगातार 2800 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है। आपको क्या लगता है, क्या जनवरी वायदा में 2900 से 3000 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं? देखिए, बिल्कुल एक्सपेक्टेड हैं ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। दिसंबर वायदा की एक्सपायरी पास है, इस वजह से उठापटक देखने को मिल रही है और मैंने हमेशा यही बोला कि अगले महीने के वायदा में आप इसमें पोजीशन बनाकर चल सकते हैं और इसके अंदर एक तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि जनवरी वायदा में जो डिप आ रही है उसके अंदर आप बाइंग करके चल सकते हैं। वापस से आपको इसके अंदर जो है आने वाले दिनों में 3000 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। जी, यहीं से रूपा जी देख रहे हैं कि धनी का दिसंबर वायदा 8800 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। काज काफी अच्छे लेवल्स देखने को मिले हैं कल के मुकाबले धनी के दिसंबर वायदे में। आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से धनिया की शॉर्टेज देखने को मिल रही है धीरे धीरे, कैरी ओवर स्टॉक भी कमी बताया जा रहा है, तो क्या आने वाले दिनों में धनिया 9000 के भी पार चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी? देखिए, धनिया में 9000 का स्तर संभव है, बिल्कुल देखने को मिल सकता है और एक्सपायरी बिल्कुल पास है। हो सकता है एक्सपायरी 9000 के 8800 या 9000 के आसपास होती हुई दिखाई दे और वहीं जनवरी वायदा की बात करें तो उसमें अभी करंट लेवल से भी 500 से 1000 रुपए की तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी, ये से रूपा जी बात करेंगे जीरे की, तो जीरे का दिसंबर वायदा देख रहे हैं 16000 से नीचे लुढ़का है, 15985 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। रूपा जी, आपने पहले ही बता दिया था कि जीरे में तेजी नहीं है, काफी समय से आप जीरे में लगातार बता रही हैं कि जीरे में कोई ज्यादा तेजी बनती नजर नहीं आएगी और वही हम अब होते हुए देख रहे हैं। खबर निकल के सामने आई कि जीरे की जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो थोड़ी घटती हुई नजर आई है। आपको क्या लगता है, ऐसे में जब एक्सपोर्ट डिमांड कम हुई है, लेवल्स भी ज्यादा देखने को मिले थे पहले और दूसरा अब ओमिक्रॉन भी आ गया है, ऐसे में आगे जीरे की कीमतें क्या रह सकती हैं? देखिए, जीरे में डाउन ट्रेंड ही है क्योंकि इसकी एक्सपोर्ट डिमांड भी कम है और प्रोडक्शन भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है और अभी जो है दिसंबर वायदा में जो प्रेशर देखने को मिला है दरअसल एक्सपायरी पास में है। इस वजह से जो दिसंबर वायदा वो सभी कमोडिटीज के अंदर आपको उठापटक का माहौल देखने को मिलेगा, लेकिन वही जनवरी वायदा अभी भी 16000 के ऊपर है और मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा बहुत पॉजिटिव जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा पॉजिटिव मार्केट नहीं है। ऊपरी स्तरों पर वापस से मुनाफा वसूली हावी होते हुए हम देख सकते हैं। अगर तेजी पकड़ता भी है तो 16200 से 16500 अभी लेवल जो है वो जनवरी वायदा में सकता है अपने को देखने को मिले और नीचे में 15800 से 15600 की रेंज बनती हुई दिखाई दे सकती है। आज इंट्राडे में 16000 तक मार्केट लुढ़क सकता है। जी, यहीं से रूपा जी बात करें अगर हल्दी की, तो हल्दी का दिसंबर वायदा देख रहे हैं 7820 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 7922 का हाई लगा चुका है, 2.25% की करेक्शन है और अप्रैल 2022 का वायदा देख रहे हैं 8884 पर ट्रेड कर रहा है और 9000 के ऊपर का हाई लगा चुका है 1.5% की करेक्शन के साथ। रूपा जी देख रहे हैं कि दिसंबर वायदे में भी अच्छे खासे लेवल्स हैं, 8000 के आसपास ही घूम रहा है और जो अप्रैल 2022 का वायदा है वो 9000 के ऊपर भी जा चुका है। रूपा जी, ऐसे में क्या मान लिया जाए कि हल्दी में अब धीरे धीरे तेजी बननी शुरू हो गई है और लंबी अवधि में हल्दी में 9000 के ऊपर के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं?
देखिए लंबी अवधि की बात करें तो अप्रैल वायदा में ऑलरेडी हम 9000 के ऊपर देख चुके हैं और अभी जो ये वायदा है दिसंबर ही एक्सपायर हो जाएगा, तो अभी आप मान के चलिए कि जो प्राइस है वो 9000 के आसपास ऑलरेडी बन चुका है इसका लेवल। तो मुझे लगता है कि 9000 अब सस्टेन होगा या नहीं होगा इसे देखना होगा, और अभी 9000 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी आती है और मार्केट वहां से 9200 के ऊपर की क्लोजिंग देता है तो आपको 9800 से 10000 का स्तर भी देखने को मिल सकता है, और वहीं नीचे में 8000 का स्तर है। तो ये लेवल्स है नीचे में 8000, तो ऊपर में 10000 की रेंज बनती हुई दिखाई दे सकती है अप्रैल वायदा में, लेकिन फिलहाल करंट लेवल से नीचे में एक बार 8500 तक लुढ़क सकता है मार्केट। 8500 से लेकर 8800 9000 की रेंज आने वाले कुछ दिनों तक ये रेंज जो है वो देखने को मिल सकती है। जी इसी रूपा जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार गम में देख रहे हैं 10500 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, 2% की तेजी है, और ग्वार सीड 5900 के करीब ट्रेड करता नजर आ रहा है 1% की तेजी के साथ। रूपा जी आपको क्या लगता है, क्या ग्वार सीड आज इंट्राडे में जिस हिसाब से आज तेजी दिखला रहा है तो क्या शाम तक ऊपरी सर्किट लगने की कुछ उम्मीद है, क्या आज ग्वार सीड इंट्राडे में 6000 के लेवल दिखा सकता है? देखिए एक्सपेक्टेड है जैसे तेजी बनी है, कोई बड़ी बात नहीं है कि 6000 का लेवल देखने को मिले दिसंबर वायदा में, और जनवरी ऑलरेडी जो है 6000 के वायदे को छूने में 50 पॉइंट ही मात्र पीछे है, तो मुझे लगता है कि आज 6000 का दिसंबर और जनवरी दोनों में एक्सपेक्टेड है, बल्कि जनवरी में तो लग रहा है आज 6040 से 6060 तक ऊपर जा सकता है। वहीं गम की बात करें तो गम में भी 11000 तक का स्तर संभव है, अभी तो 1.5% की तेजी है, बिल्कुल एक्सपेक्ट किया जा सकता है, और यहां से एक बार तेजी बनती हुई भी दिखाई दे सकती है, और ग्वार ऊपर में एक बार 11000 का स्तर गम दिखा सकता है, और सीड 6100 से 6200 तक ऊपर उछलता हुआ दिखाई दे सकता है। जी तो यानी कि आज ग्वार गम और ग्वार सीड के वायदा बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है, जो वायदा बाजार है अभी ऊपर में अभी और कीमतें जाती नजर आ सकती हैं ग्वार की। यहीं से रुपा जी बात करें अगर कॉटन की, तो कॉटन में आपको क्या लगता है आज कॉटन में इंट्राडे में क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? देखिए जहां तक कॉटन की बात है, कॉटन में भी तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है, और कॉटन में भी बाजार जो है वो पॉजिटिव जाता हुआ दिखाई दे सकता है, लगातार तेजी की तरफ ही है मार्केट। थोड़ा बहुत करेक्शन जरूर हमें देखने को मिला था, लेकिन अब सस्टेनेबिलिटी ऊपरी स्तरों पर आती हुई दिखाई दे सकती है, और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में यानी कि 15 से 20 दिन का अगर हम टाइम पीरियड लेकर चले तो इस टाइम पीरियड के अंदर इसमें तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है और प्राइजेस जो है ऊपर जा सकते हैं। अभी वायदा में जरूर आज फिसला हुआ है, 31380 के आसपास है दिसंबर वायदा, और जनवरी वायदा भी 31600 के आसपास है, तो 32000 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी आती है तो वापस से मार्केट में एक अच्छा अपसेट बनता हुआ दिखाई दे सकता है। आज इंट्राडे में हो सकता है कि आपको 100 से 150 पॉइंट की करेक्शन वायदा में देखने को मिले। जी रूपा जी कुछ दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, इनमें से एक है आबिद गौरी जी, जिनका सवाल गार्लिक को लेकर आ रहा है, लहसुन को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं कि लहसुन के आगे क्या रेट देखने को मिल सकते हैं। रूपा जी लहसुन में हम देख भी रहे हैं कि अगर रिटेल में लहसुन भी खरीदने जाएं तब भी काफ़ी कम कीमतें देखने को मिल रही है लहसुन की, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या लहसुन आगे में और नीचे गिरता नजर आएगा? देखिए लहसुन में अभी जो एक एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि लहसुन की आगे डिमांड जो है वो बढ़ सकती है, एक अपसाइड मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे सकता है, विंटर सीजन की डिमांड निकल सकती है, उसकी वजह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि प्राइसेस के अंदर बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, बाजार उसी रेंज में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अभी छुटमुट तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन अभी लंबी तेजी की उम्मीद नहीं है। जी रूपा जी दर्शक जुड़े हुए हमारे साथ बिस्सू जी, जिनका सवाल चने को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं कि चने का हाल अभी क्या चल रहा है और आने वाले दिनों में चने का हाल कैसा रह सकता है? देखिए चने में अभी गिरावट ही है, और जब से वायदा से हटाया गया है तब से लगातार दालों के अंदर प्रेशर ही देखने को मिल रहा है और चना भी लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है, और ये अभी जो प्राइसेस के अंदर डाउनसाइड है ये भी बना रह सकता है, क्योंकि अगर हम देखें तो लगातार अरहर हो, मसूर हो, तुअर हो, उड़द सभी में फिलहाल जो है गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन अभी कुछ कुछ मार्केट्स के अंदर हमने देखा है कि काबुली चने में सुधार देखने को मिला है, तुअर और मसूर के दाम भी बढ़े हैं, लेकिन अभी तेजी बहुत ज्यादा बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उधर देखा जाए तो काबुली चने की आवक भी मंडियों में देखने को मिल रही है, अच्छी खासी आवक एक्सपेक्ट आती हुई दिखाई दे रही है,
लेकिन फिर भी कुछ एक बाजार उठा जरूर है पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि काबुली जो चना है उसकी निर्यात मांग निकली है हल्की फुल्की, जिसकी वजह से प्राइजेस के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है और कीमतें जो है वो ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन सस्टेन होगी नहीं होगी ये थोड़ा सा भी मुश्किल है, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट डिमांड ज्यादा निकलती है तब जाकर चने में कुछ तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन अभी मिलर्स की तरफ से भी जो डिमांड निकलती हुई नजर आ रही है वो अच्छी क्वालिटी का चना खरीदा जा रहा है, उसकी एक डिमांड जरूर मार्केट के अंदर पिकअप हुई है, जिसकी वजह से जो लगातार प्राइसेस गिर रहे थे वो हमने अब एक दो ट्रेडिंग सेशन में सुधरते हुए देखे हैं। लेकिन अभी फिलहाल बहुत ज्यादा लंबी तेजी दालों में बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है जी। रूपा जी, दर्शक जुड़े हैं भादर गोडारे जी, जिनका सवाल बिनौला खल को लेकर आ रहा है। ये जानना चाह रहे हैं कि बिनौला खल हाजिर मार्केट में कब खरीदारी करके चल सकते हैं लंबे टाइम के लिए, और कब स्टॉक करके चलना चाहिए? देखिए, इन लेवल्स पर भी बाइंग किया जा सकता है, इन लेवल्स पर भी स्टॉक किया जा सकता है। ऑलरेडी मार्केट अपना बेस बना चुका है और इन्हीं लेवल्स पर सस्टेन है, तो ये लेवल्स के आसपास खरीदारी की जा सकती है जी। रूपा जी, संदीप खटकर जी हैं जिनका सवाल एमसीएक्स कॉटन को लेकर आ रहा है। ये जानना चाह रहे हैं कि क्या एमसीएक्स कॉटन में दिसंबर में 34,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? देखिए, दिसंबर में तो मुश्किल है 34,000 का स्तर, क्योंकि 32,000 के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है, लगातार मार्केट वहां से फिसल रहा है। लेकिन एक्सपेक्टेड है कि तेजी बन सकती है, लेकिन दिसंबर में 34,000 थोड़ा मुश्किल लगता है। जनवरी वायदा में हो सकता है हमें ये लेवल देखने को मिले जी। रूपा जी, सादिक मोमिन जी हैं जिनका सवाल रिफाइंड सोया तेल और सीपीओ को लेकर आ रहा है। ये जानना चाह रहे हैं कि आज रिफाइंड सोया तेल और सीपीओ में क्या करके चलना सही रहेगा? देखिए, अभी जो सीपीओ है उसमें थोड़ा सा पॉजिटिव रुझान बनता हुआ दिखाई दिया है, आज 1120 तक टच हो चुका है, तो 1100 ऊपर में ज्यादा से ज्यादा तेजी जो है 1140 तक बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं 1100 के स्टॉप लॉस के साथ इसको बाइंग किया जा सकता है। और जहां तक रिफाइंड सोया ऑयल की बात है, उसमें भी छुटपुट अपसाइड बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जनवरी वायदा की बात करें तो 1220 से 1240 तक की तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। 1180 के स्टॉप लॉस के साथ जनवरी वायदा रिफाइंड सोया में भी बाइंग पोजिशन बनाई जा सकती है जी। रूपा जी, मोनू जैन जी जुड़े हुए जिनका सवाल सरसों को लेकर आ रही है। जानना चाह रहे हैं कि सरसों में कब तक तेजी आ सकती है अभी? और रूपा जी, हम पहले ही देख चुके हैं कि सरसों में ऑलरेडी एमएसपी से लगभग 2 गुना से भी ज्यादा किसानों को इस बार भाव मिलते नजर आए हैं, और अब देख रहे हैं कि अभी भी 9,000 के ऊपर ही सरसों की कीमतें हाजिर में मंडियों में देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है, क्या ये अभी भी अच्छे लेवल्स हैं सरसों की बिकवाली करके चलने के लिए और अच्छा मुनाफा कमा के चलने के लिए, मद्देनजर की आगे जो सरसों की आवकें होंगी वो बम्पर देखने को मिलेंगी और कीमतें थोड़ी घट सकती हैं? देखिए, बिल्कुल, अभी तो काफी जगहों पर जो खबरें निकल कर आ रही हैं, सरसों का रकबा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और अभी जो है सरसों का भाव भी पीछे 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा फिसला है डोमेस्टिक मार्केट के अंदर। लेकिन ओवरऑल देखिए, लेवल्स काफी अच्छे हैं, यहाँ पर भी धीरे धीरे लिक्विडेट किया जा सकता है माल जिनके पास रखा हुआ है। लेकिन सोयाबीन में जिस तरीके की तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है, उसका इम्पैक्ट थोड़ा पॉजिटिव सरसों पर भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जैसे ही थोड़ा सा मार्केट और अपसाइड में जाता है तो बिल्कुल माल को निकाल देना चाहिए अराइवल आने से पहले, क्योंकि मुझे लगता है जैसे ही अराइवल प्रेशर बनेगा तब इसके अंदर एक प्रेशर जो है वो बनता हुआ दिखाई दे सकता है जी। रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए हैं बब्बू खुराना जी जिनका सवाल ग्वार को लेकर आ रहा है। ये जानना चाह रहे हैं कि ग्वार में लॉन्ग टर्म के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? देखिए, अब तो काफी मार्केट ऊपर आ चुका है, इस लेवल पर तो नहीं मैं बोलूंगी कि आप बाइंग करें, लेकिन हाँ, स्ट्रेटेजी अभी पॉजिटिव ही दिखाई दे रही है और अभी मार्केट थोड़ा सा लग रहा है कि सस्टेन कर सकता है 11 से 12,000। ग्वार गम और सीड जो है वो 6500 तक ऊपर जा सकता है जी। रूपा जी, प्रदीप जी जुड़े हुए जिनका सवाल मक्के को लेकर आ रहे हैं कि मक्के में क्या करें? देखिए, मक्के में तो अभी फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आज जो एक डिमांड है सब्स्टिट्यूट के रूप में, जो डिमांड एक्सपेक्ट की जा रही है पोल्ट्री इंडस्ट्री से निकलने की, उसकी वजह से थोड़ा बहुत बाउंस बैक आ जाए तो मार्केट में एक्सपेक्टेड किया जा सकता है कि ये बाउंस बैक बन सकता है। लेकिन फिलहाल मक्के का अपना खुद का फंडामेंटल और देखे टेक्निकल देखे तो मक्के में फिलहाल कोई तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। रेट और आवक की बात करें तो अच्छी खासी आवकें हैं, प्राइजेस नहीं मिल पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल तेजी नहीं है मक्के के अंदर, और इसमें जो भी माल रखा है उसको लिक्विडेट करने में ही फायदा है जी। रूपा जी, रेहान मोहम्मद जी जुड़े हुए जिनका सवाल मेंथा तेल को लेकर आ रहा है, मेंथा ऑयल को लेकर आ रहा है। ये जानना चाह रहे हैं कि क्या मेंथा ऑयल में आगे जाके तेजी देखने को मिल सकती है, क्या मेंथा में आगे अच्छे लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? देखिए, मेंथा में अभी थोड़ा सा बाजार जो है 980 तक ऊपर एक बार तेजी पकड़ सकता है, दिसंबर वायदा नीचे में 960 है,
960 से 980 की रेंज है, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर ये 1000 के ऊपर निकलता है तब आप इसमें मान के चले कि लंबी तेजी पर मार्केट जा सकता है, सस्टेन कर सकता है। अभी हल्की फुल्की डिमांड एक्सपेक्टेड है विंटर सीजन में निकलती हुई, जिसकी वजह से कीमतों को सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन फिलहाल तेजी 1000 तक ही बन सकती है, इससे ज्यादा लंबी तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। जी रूपा जी, दीपक जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जिनका सवाल धनिये को लेकर आ रहा है, कोरिएंडर को लेकर आ रही है। ये धनिये में लॉन्ग टर्म की पोजीशन जानना चाह रहे हैं कि धनिये में लंबी अवधि में कैसा रुझान रह सकता है, क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। देखिए अगर यहाँ से धनिया अब तेजी की तरफ जाता है तो 10,000 तक की तेजी एक बार एक्सपेक्ट की जा सकती है कि मार्केट में देखने को मिल सकती है। जी रूपा जी, श्रीराम टोटे जी हैं जिनका सवाल सोया ऑयल को, रिफाइंड सोया तेल को लेकर आ रहा है। ये जानना चाह रहे हैं कि क्या रिफाइंड सोया ऑयल में आगे जाके तेजी देखने को मिल पाएगी। देखिए लंबी तेजी तो नहीं है, लेकिन हाँ छुटमुट अपसाइड बना रह सकता है और ऊपर में मार्केट सस्टेन कर सकता है 1200 के ऊपर। जनवरी वायदा 1220 से 1240 तक, और उसके ऊपर निकलता है तो मैक्सिमम 1260 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। जी रूपा जी, बहुत सारे दर्शक है जिनका सवाल लगातार सोयाबीन को लेकर आ रहा है। रूपा जी, हमने देखा है कि सरकारी आंकड़ा सोपा के आंकड़े से भी ज्यादा है, कि सोपा ने उत्पादन का आंकड़ा दिया था अपने हाल ही के सर्वे में कि इस बार सोयाबीन का उत्पादन लगभग 119 लाख टन रह सकता है। सरकारी आंकड़ा सोपा के उत्पादन आंकड़े से भी कई ज्यादा था, लेकिन फिर हमने प्रोडक्शन भी प्रभावित होते देखी है भारी बारिश की वजह से। भारी बारिश की वजह से सोयाबीन की जो फसलें हैं वो भी खराब होती नजर आई हैं। और अब दूसरा, पोल्ट्री इंडस्ट्री सरकार से डिमांड कर रही है कि सोया DOC का इम्पोर्ट किया जाए। रूपा जी, सरकार भी ये कह रही है कि जब सोयाबीन का उत्पादन इतना रह रहा है पूरे देश में, पिछले साल के मुकाबले लगभग 14-15% ज्यादा रह सकता है सोपा के अनुसार, तो क्या सोया DOC का इंपोर्ट वाकई में करना चाहिए, क्या जरूरत है इस चीज की? देखिए ये तो अभी डिपेंड करेगा कि अराइवल्स कैसे होते हैं और इंपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सरकार का डिसीजन होगा कि देखना होगा कि किस तरीके से आगे स्ट्रेटेजी को बनाया जाता है और क्या इसकी कंजम्पशन रहती है और कैसा डिमांड जो है वो पिकअप होता हुआ दिखाई देता है और प्रोडक्शन कैसा निकल कर आता है, ये सब उन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। और लेकिन अभी जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है हम उस पर बात कर सकते हैं। जिस तरीके से कल जो खबर निकल कर आई थी, एक दो मंगलवार को शायद ये एक अपडेट निकल आया था कि सरकार ने कहा है कि किसानों के हित में ये फिलहाल DOC का आयात नहीं होगा, ऐसी खबरें मार्केट में निकल कर आई हैं। और अभी उसके इंपैक्ट की वजह से भी हमने देखा है कि सोयाबीन के प्राइसेस ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और ट्रेडर्स अभी काफी एक्टिव हैं इसके अंदर, क्योंकि जिन्होंने काफी ऊपरी स्तरों पर माल खरीदा था वो नीचे से फिर से बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कीमतों को अपसाइड पर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं और उनको सस्टेन कर रहे हैं कि ताकि यहाँ पर एक बार फिर से बाइंग निकले और वो ऊपरी स्तर आए और वहां पर वो अपना माल निकाल पाए। तो आप इस स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि इसमें एक बार अपसाइड मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा है और ये अपसाइड बढ़ सकता है और यहाँ से बाजार जो है सोयाबीन का एक बार 6800 से 7000 तक जा सकता है। जनवरी वायदा की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कि इसमें अभी जो है 6580 के आसपास देखने को मिल रहा है, इसमें 6800 से 7000 का स्तर आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। जी तो यानी कि अभी हाल फिलहाल में सरकार ने भी डिसीजन सोयाबीन किसानों के हित में ही दिया है कि इंपोर्ट नहीं किया जाएगा, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं मार्केट से, बाजारों से। और वैसे देखा जाए तो सही भी है, क्योंकि जब घरेलू उत्पादन ही इतना ज़्यादा बताया जा रहा है तो भला फिर सोया DOC का आयात क्यों ही करना, और पोल्ट्री को उस समय खरीदारी कर लेनी चाहिए थी जब सोयाबीन अपनी MSP के आधे से भी नीचे भाव पर बिकती नजर आ रही थी, तो उस समय पोल्ट्री इंडस्ट्री को सोयाबीन का अपना स्टॉक बनाकर चल लेना चाहिए था। रूपा जी, आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे कि आज के आपकी तरफ से एग्री कम्युनिटीज के टॉपिक्स क्या रहेंगे जिनमें अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए अगर आज एग्री कम्युनिटीज में नजर डालें तो अभी सोयाबीन एज यूजुअल तेजी की तरफ है और अब ग्वार उठती हुई नजर आ रही है, ग्वार के अंदर बाइंग में रहा जा सकता है और प्लस बिनोला खल एज यूजुअल जैसे कि इसमें तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है तो मुझे लगता है बिनोला खल में भी बाइंग की जा सकती है। तो बिनोला खल, ग्वार और सोयाबीन, ये तीन कमोडिटी ऐसी हो सकते हैं जो आने वाले कुछ दिनों में अच्छा मुनाफा देते हुए नजर आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि बिनोला खल, ग्वार और सोयाबीन, ये तीन कमोडिटीज ऐसी हैं जिनमें आप आज इंट्राडे में भी और आगे भी खरीदारी में रह सकते हैं। तो फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यही बना रहेगा मार्केट MCV पर। आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।